अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो ये हम क्या बोले थे, ये वाला अभी हम लोग देख रहे थे, अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं इसको, ठीक है? रिकॉर्ड करना छूट गया था बटन। तो ये क्या हो गया, एम ए थ्री बी टू सी का देख रहे थे, एग्जांपल ये लिया हुआ है। जी आई इसके कितने आएंगे, तीन आएंगे, ठीक है? ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेंगे तीनों का तीनों। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए ए और ये बी बी और ये बी और क्या आ जाएगा नीचे सी, ठीक है? फिर से बता देते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका ए, ठीक है? ए और ए को यहाँ रखे हम लोग, बी को यहाँ रखे, बी को यहाँ रखे और क्या रख दिए सी को, तो हम ट्रांस देखेंगे, ठीक है? वो तो पोजीशन है, आप जिसको जहाँ चाहे रख सकते हैं, एक पोजीशन ये रख सकते हैं और एक पोजीशन ये रख सकते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे तीन अपने को मिल रहे हैं, ठीक है? उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कितने पीओएस मतलब पीओएस आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है पीओएस तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो हम क्या बोले कि इस तरीके से काट काट नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका ये ऐसे। यदि हम इस तरीके से काटते हैं तो ऊपर से ये भी सी कट जाएगा, ठीक है? नीचे से ये वाला भी ए कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये इसका मिरर ये और इसका मिरर ये, यानी यहाँ पी ओ एस जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें कैसे जाएंगे, इसमें ये डायगोनली पकड़ करके जाएंगे, ये कट जाएगा, ठीक है? ये कट जाएगा और यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो ये ए का क्या बनेगा, ये यहाँ भी क्या मिलेगा अपने को, पी ओ एस मिलेगा। इसमें भी पता है, इसमें कैसे जाएंगे हम लोग, इसमें भी जाएंगे सेम डायगोनली ऐसे ही जाएंगे, ठीक है? ये भी कटता हुआ जाएगा, ये भी कट जाएगा पूरा और ये ए का क्या मिलेगा, ये ए जो है वो आपको मिलेगा और नीचे से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ भी पीओएस मिलेगा। तो सब का सब जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखेगा आपको, ठीक? अब इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम ए थ्री बी थ्री, ये क्या था, फैक्मर वाला। एम ए थ्री बी थ्री क्या है आपका, फैक्मर वाला। तो एम ए थ्री बी थ्री जो है उसमें कितने आइसोमर थे, दो थे, फैक और मर, फेसिल और मैराडोनल, ठीक है? उसमें से बी को हटा के यदि हम सी ऐड कर दें, बी को हटा के यदि हम क्या ऐड कर दें, सी, तो क्या बन जाएगा, एम ए थ्री बी टू सी। तो इसके कितने आइसोमर होंगे, चेंज परसेंटेज चेंज कितना होगा वो भी पूछ लेगा। तो कितने आइसोमर इसके हो जाएंगे, तीन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने आइसोमर होंगे, थ्री आइसोमर होंगे। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, दो से थ्री हो गया, यानी कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, जो मतलब कि कितना डिफरेंस आया, तो थ्री माइनस क्या हो गया, चेंज कितना आया, टू, और ये पहले वाला क्या था, ओरिजिनल वाला टू, तो चेंज कितना आ जाएगा आपका, 50% का। कितना परसेंट का आ जाएगा, ये 50% का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यदि हम देखें इसका सेवेंथ वाला जो अपने पास है वो क्या है, सेवेंथ वाला एम ए थ्री बी सी डी, एम ए थ्री बी सी डी। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट एच टू ओ, ठीक है, ट्राई एक्वा, ठीक है, आयोडीन भी है, ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने बन रहे हैं और कितने आइडेंटिकल है, कितने क्या है। तो इसमें जो है टोटल जीआई बोलता है चार बनेगा, टोटल जीआई कितने बनेंगे, चार। वही अलग अलग पोजीशन रख करके आपको बनाने, ठीक है, अलग अलग पोजीशन रख करके बनाने। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बोले, कितने जीआई आपको निकलेगा, फोर। और ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जीआई कितना है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप पोजीशन बदल बदल के नहीं देख सकते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, कितना ऑप्टिकल एक्टिव है, कितना ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे, कैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है वो देखेंगे। तो कोई भी इसका एक, ये वाला क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या पोजिशन क्या है, ए ए ए, तीनों को यहाँ रखेंगे, ए ए, ठीक है, और डी पी बी ऐसे रखेंगे। तो कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं मिलेगा, यदि हम इधर से कट करते हुए जाएंगे तो ये वाला चीज ए और यहाँ डी मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इधर से कट करते हुए जाएंगे तो ए और ए तो मिल जाएगा लेकिन सी और डी मिल जाएगा। इधर से कट करते हुए जाएंगे तो ए और ए तो मिल जाएगा लेकिन सिर्फ सी और डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस जो है वो अवेलेबल नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कोई भी पी ओ एस अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, टोटल कितने जीआई मिल रहे हैं, टोटल चार, ठीक? अब ये जो है यहाँ पे, इसमें कोई पीओएस नहीं मिल रहा है,
तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला भी और ये वाला भी, और इनका क्या मिलेगा डी और एल फॉर्म इनका देखने को मिलेगा। मतलब यदि ये डी है तो इनका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज भी बनेगा और वो क्या होगा एल, और इसका भी क्या बनेगा मिरर इमेज जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब इसका देखेंगे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जिसमें ये डिवाइड हो जाए खड़ी है, तो यदि हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे, ये वाले को यदि ऐसे कट करते हैं डायगोनली, ठीक है, तो ये ऊपर से भी कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा ए और ये इस साइड आ जाएगा, यानी POS मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसमें देखें ये वाला हम लोग कैसे ले जाएंगे, तो इसको भी सेम इस तरीके से कट कर दो सेम डायगोनली, तो ये ए और ए मिल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा POS मिलेगा, ये भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसमें भी सेम हम लोग उसी तरीके से करने वाले हैं, सेम ये ऐसे काट दो, ये वाला जो है ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये जो है ए और ए जो है वो क्या मिलेगा आपका मिरर इमेज, तो ये क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला और ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा इसमें 5, ठीक है, 4+1, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे 2, तो ऑप्टिकल आइसोमर ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, जो दोनों मिले हैं वो क्या है ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव, और ये 4 क्या है GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिले हैं 4, इनेंसियोमर पेयर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1, तो ध्यान में रखना है ये सब का सब, ठीक है, सब का सब थोड़ा ध्यान में रखना है किस तरीके से चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कितने स्टीरियो आइसोमर है, कितने ऑप्टिकल है, कितने GI है, ये तो आपको रट कर ही रखना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टोटल स्टीरियो आइसोमर इस केस में यानी कि ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं इस वाले में M जब भी आएगा MA3BCD तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 5 ही लेना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 ही लेना है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो 2 ही लेना है, ये सारा चीज़ जो है वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसानी आसान होगा ना चीज़ एग्जाम में लिख पाना, और नहीं तो निकालने में बहुत परेशानी होता है। उसके बाद यदि हम आएंगे कहाँ पे, ये वाला MA2B2C2, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया हुआ है और टोटल इसके 5 GI होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे 2 और स्टीरियो आइसोमर टोटल कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब ये जो है ये क्या है सिस, ये कंप्लीट सिस इसको कहा गया है, कैसे, ये देखो ये देखो इधर भी सिस, ठीक है, ये देखो ये भी सिस और ये देखो ये भी सिस, तो सब का सब यहाँ पे क्या निकल रहा है सिस, लेकिन ट्रांसफॉर्म भी होगा, कौन किसके ट्रांस में होगा, तो कौन किस में, ए के ट्रांस में कौन होगा, ए के ट्रांस में कौन होगा ये सी, ठीक है, यहाँ पे ए के ट्रांस में कौन होगा बी और यहाँ बी के ट्रांस में कौन होगा सी, ये ट्रांस का पोजिशन समझ में आ रहा है। अब यदि हम लोग देखें इसमें, ठीक है, तो कोई भी इसमें जगह मिल रहा क्या कट करने का, कट करने का आपको कोई जगह नजर तो नहीं आ रहा है जिससे कि कट किया जाए और वो क्या मिल जाए ये है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका कोई भी इसमें POS जो है अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, इसका मतलब क्या ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, और इसका क्या फॉर्म बनेगा डी भी होगा और एल भी होगा, इसका क्या बनेगा मिरर इमेज, क्या बनेगा मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज बनता है। इस वाले यदि हम फॉर्म का लेते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला है मतलब इस ये जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर हम लोग सेट करते हैं ABCD सेट करके वो देखते हैं, तो ये कौन सा है वो ओनली बी ट्रांस है, ठीक है, बी जो है वो ट्रांस पोजिशन पे देखेंगे, ये दोनों बी किस पे ट्रांस पोजिशन पे है, ठीक है, ये ए और सी ट्रांस पे आ रहा है, ठीक है, ये ए और सी ट्रांस पे आ रहा है, ठीक है, ये देखेंगे क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ POS मिलेगा, बड़ा आसानी से मिल जाएगा POS, कैसे, तो देखें आसानी से मिलेगा, ये क्या करेंगे हम लोग सीधा इसको ऐसे काट देंगे ऊपर से काटते हुए आएंगे, ऊपर से काटते हुए तो ए जो है इसका मिरर ये मिल जाएगा, इसका मिरर यानी जस्ट आप ये मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा POS मिल जाएगा, ठीक है, POS मिलेगा तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका यदि आएंगे हम लोग, ठीक है,
तो इसका जो है अपना इसमें क्या बोले थे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने मिलेंगे, दो, ठीक है, स्टीरियो कितने हो जाएंगे, टोटल सिक्स, ठीक है। तो ये वाला अब हो जाएगा अपना। अब इसमें क्या है ये देखेंगे फिर से, बी बी सी सी, ये भी पूरा का पूरा ट्रांस है, अब इसको बीच से काट दो, इसमें भी पी ओ एस मिल जाएगा, ठीक है, पी ओ एस मिलेगा, ये भी ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें यदि देखोगे तो इसको भी कैसे काटोगे, ऐसे काट दो, यहाँ भी क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये। इसको कैसे काटोगे, ये बी बी, हाँ ऐसे भी काट दो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या मिल जाएगा, पी ओ एस मिल जाएगा आपको, ये वाला जाएंगे तो इसमें कहीं कोई इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे काटोगे तो ये ए और सी आएगा, ये ए और बी आएगा, ऐसे काटोगे तो ए और ए तो आएगा लेकिन बी और सी आ जाएगा, तो ये मैच नहीं करेगा, यानी कि यहाँ क्या है, पी ओ एस एक भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि दो ऑप्टिकल एक्टिव मिल गया, एक ये वाला और एक जो ऊपर में हम लोग देखे थे वो वाला। और ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, कैसे क्या मिलेगा इसका, किधर से कट करे भाई, सॉरी ये भी ऑप्टिकल है, ओके सॉरी, हम दूसरे क्वेश्चन में आगे लगता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये तो नाइन्थ नंबर आ गया ना, नाइन्थ नंबर, तो ये वाला यहीं पे खत्म होता है, ठीक। तो याद रखना है किस तरीके से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला गया, कितना क्या क्या है इसमें, तो जी आई, टोटल जी आई कितने मिलेंगे इसमें आपको, टोटल जी आई मिलेंगे फाइव, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, दो, ऑप्टिकल आइसोमर सही, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, दो। तो ये हुआ क्या, एक तो ये बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, एक मिरर इमेज, एक ये बन जाएगा और इसका एक क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, तो यहाँ से हो जाएंगे दो, ठीक है, दो हो जाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, छः, तो जी आई पाँच एक, और ये वाला जो एक इसका मिरर इमेज बना, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आपका बेटा, सिक्स हो गए, ठीक। अब यहाँ पे जो अगला वाला जो अपने पास था वो क्या है, ये है, अब ये है, अच्छा ये वाला तो समझाई थी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये वाला भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें भी कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा है, इधर ऐसे ले जाएंगे तो ए के बाद में डी मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो ए के बाद ये सामने क्या मिलेगा, बी, और ऐसे जाते हैं ए का ए तो मिलेगा, बी का डी मिल जाएगा, ऐसे यदि जाते हैं तो ए का बी मिलेगा और ए का डी मिलेगा, ये भी नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें जी आई है, जी आई मिल रहा सिक्स, ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे फोर, स्टीरियो कितना मिलेगा, आठ, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी इसका भी क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, यानी यहाँ से एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, तो यहाँ से भी क्या बनेगा, मिरर इमेज, तो यहाँ से तो चार ऑटोमेटिकली हो गए, मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, ये सारे जो हैं आपको नजर आ रहे हैं, ठीक। अब आगे यदि हम जाएंगे और आगे, तो इसमें अपने को, ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारा का सारा उसके बाद जो बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जी आई कितने आपको ध्यान में रखने हैं, जी आई कितने होंगे इसके, सिक्स जी आई है, ऑप्टिकल आइसोमर चार, वही एक, ठीक है, दो, ये तीन, और मिरर इमेज क्या हो जाए, चार, तो टोटल कितना हो जाएगा, आठ, टोटल कितना, स्टीरियो कितना हो जाएंगे, टोटल आठ, छः था और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, दो, ये मिरर इमेज दो जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये टेंथ नंबर में हम लोग आ गए, टेंथ नंबर, टेंथ नंबर क्या बोलता है, एम ए टू बी सी डी ई, ठीक है, एम ए टू बी सी डी, इसके नाइन जी आई मिलते हैं, एकदम वी वी आई है, एकदम रट कहीं रखना है, नाइन, ये वाला और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइन जी आई मिलते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और एम बी सी डी ई का कितना था, जी आई थ्री, याद है पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसमें कुछ नहीं, आपको पूरा पूरी याद ही रखना, ऑप्टिकल आइसोमर छः, ऑप्टिकल सॉरी ऑप्टिकल एक्टिव कितने मिलेंगे, सिक्स, ऑप्टिकल आइसोमर कितने मिलेंगे, बारह, ठीक है, सॉरी हाँ, और स्टीरियो कितने हो जाएंगे, पंद्रह। ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपको याद ही रखना है, क्योंकि कितना का स्ट्रक्चर बनाइएगा, कितना का क्या कीजिएगा, ठीक है। तो ये दो जो है उसका बिना स्ट्रक्चर तो बस आपको क्या करना है, याद ही रखना है। और ये यदि हम बात बनने का तो बन सकते हैं, बैठ करके बनाते रहें, इधर उधर करते रहें, वो सब का सब आ भी जाएगा, लेकिन एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पे हम अभी बता रहे हैं।
ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला एम ए बी सी डी ई एफ, एम ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसके जी आई कितने आएंगे, 15। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे टोटल, ठीक है, 30, इसमें स्टीरियो भी क्या हो जाएगा 30, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, यानी 15 एक तरह से ऑप्टिकल एक्टिव, उसका 15 ऑप्टिकल एक्टिव वाला और 15 उसका मिरर इमेज, इसलिए टोटल स्टीरियो कितना हो जा रहा है 30, और स्टीरियो हम देख रहे हैं तो आपको, यानी ऑप्टिकल यदि हम देख रहे हैं तो उसमें जीआई देखने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है, हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनिक में देखते हैं। तो ये आपका ये पूरा का पूरा जो है मोनोडेंटेट वाला समाप्त होता है। ठीक है, अगला केस जो है वो है कौन सा है, बाइडेंटेट का। अगला केस कौन सा है, वो आपका बाइडेंटेट का। तो यहाँ पे यदि हम देखें एम, पहला वाला जो एम ए ए ए फोर, ठीक है, तो अब सब कॉमन आ गया, सिमिलर आ गया, तो कोई जी आई इसमें शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक, ऑप्टिकल एक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ से कट करोगे, कहीं से कट करोगे तो अगर अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते समय ये ध्यान रखना है कि रिंग कटना नहीं चाहिए, जैसे कि ये वाला पूरा है। ठीक है, ये वाला पूरा है, ये वाला, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना, कार्बन वगैरह, तो ऐसे काट के नहीं जाना है। ठीक है, काट के नहीं जाना, वो नहीं मान्य होगा, ये बात ध्यान में रखना है। अब यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, दूसरा बात करें एम ए ए ए थ्री बी, तो इसमें टोटल जी आई कितने निकलेंगे, 2। जी आई कितने निकलेंगे, 2। देखिए ए और ए तो यहाँ है, ए ए बी और ए, ठीक है, तो ये किस पोजिशन पे है, तो ये देखें ए और ए किस पोजिशन पे है, ट्रांस वाले पे आ जा रहा है। ठीक है, ए और ए जस्ट अपोजिट में आ रहा है। ठीक है, ये और ए अपोजिट में है, और ये वाला, ठीक है। खैर, अब इसको यदि हम किसी भी तरीके से हम करेंगे ना, कैसे हम करेंगे, जिससे अपने को क्या मिल जाए, मिरर इमेज मिलता हुआ बन जाए। ठीक है, तो ये यदि हम काटें, ठीक है, हाँ कहीं से नहीं कटेगा, क्योंकि इधर से यदि हम कट करते हैं, ये वाला प्लेन को ले जाते हैं, तो ये ए और ये बी जो है आपस में मैच नहीं करता है, तो इसमें कोई भी जो है, एक सेकंड, यहाँ पे ये, हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी मॉलिकुलर प्लेन जा रहा है, यहाँ पे मॉलिकुलर प्लेन जा रहा है। ठीक है, मॉलिकुलर प्लेन मतलब जस्ट ऐसे ऐसे कट करेंगे, बताएं थे इसको स्लाइस कट करते, तो ये भी कटता हुआ जाएगा, ये भी कटता हुआ जाएगा, ये केवल प्लेन को काटता हुआ जाएगा, ये वाला, ये सब आपस में कट जाएंगे, ये सब एक प्लेन पे, और बचेगा कौन, ऊपर ए, और ये बचेगा ऊपर में ए। ठीक है, स्लाइस कट या फिर मॉलिकुलर कट इसको कहते हैं, मॉलिकुलर कट भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पी ओ एस जो है मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पे यदि हम इसका स्लाइस कट देने जाएं, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटता हुआ चला जाएगा बाहर, लेकिन ये ए के बाद क्या मिलेगा, बी, तो ये क्या हो जाएगा, नो पी ओ एस, कोई पी ओ एस नहीं है, और क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली ये एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या आपका नजर आ रहा है, एम ए ए, एम ए ए ए टू बी टू, इसका एग्जांपल ये ले लिए, ये इस तरीके से इसके जो है कुछ कंपाउंड्स आ जाएंगे। अब ये जो है वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव, और सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव, जी आई 3, ऑप्टिकल आइसोमर 2, टोटल स्टीरियो आइसोमर 4, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए ये। ठीक है, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए ये। अब कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ से तुरंत इसको क्या मिल जाएगा, इसको काट दो, मॉलिकुलर कट ही काटो, जब बी के बगल में क्या मिल रहा है, बी तो मिल जा रहा है, तो पी ओ एस मिल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ सी के रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, सी, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन इसका मॉलिकुलर कट काटने जाओगे तो बी के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, सी, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका क्या बन जाएगा, एक मिरर इमेज भी बनता हुआ नजर आएगा। तो टोटल कितना हो जाएंगे, 1, 2, 3, जी आई 3, ऑप्टिकल आइसोमर 2, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, टोटल स्टीरियो 4, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एम ए ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें जो है टोटल कितने मिलेंगे, ठीक है, इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो 6 मिलते हैं, कितने मिलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 6,
ऑप्टिकल एक्टिव 6, ऑप्टिकल आइसोमर 12, स्टीरियो आइसोमर 12। तो ये सबका सब जो है ना आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कितना आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ये तो निकाला हुआ है, ठीक है, ये निकाला हुआ है, याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में निकालने में बहुत परेशानी होता है, ठीक है। तो क्या बोले, एम ए मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिसका ज्यादा है थोड़ा था, इससे पहले बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था, कल के क्लास में देखोगे छोटा मोटा थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन आज देखोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब इसमें हम मैच करते जा रहे हैं। हालांकि चाहते तो ज्योमेट्रिकल को अलग रख के फिर ऑप्टिकल को अलग भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हमको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं लगा, समय का बर्बादी लगा। चल रहा है तो साथ में ही चलते चलेंगे, सब कुछ देखते चलेंगे। अब यहाँ पे यदि हम अगला बात करें, एम ए, ठीक है, एम ए ए होल टू ए टू, तो यहाँ पे जी आई कितना मिलेगा, 2, ऑप्टिकल आइसोमर 1, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव 2, और स्टीरियो आइसोमर कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ भी आपको मिल रहा है, ठीक। आगे यदि हम लोग जाएंगे तो ये वाला जो है एम ए ए टू ए बी, ए बी वाला, ये ऐसे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर भी कितने मिलेंगे, 2, और स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, कितने, 2, और स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, टोटल 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद सेवेंथ में यदि हम चले जाएंगे, यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एम ए 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, और खास बात है, यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ए का होल 3, ये जी आई नहीं शो करता है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव, कहीं से कट ही नहीं सकता है। ऐसे काटोगे तो ये रिंग टूटेगा, जो कि हम कहें कि नहीं होना चाहिए, ऐसे कर नहीं सकते हैं, मतलब कहीं से हम लोग इसको ये तोड़ते हुए नहीं जाना है, ठीक है, POS इसको तोड़ते हुए नहीं जाना है, ये वाला जो रिंग टाइप का बन रहा है, तो ना तो ये ऐसे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, ना तो ऐसे जा सकते, कहीं से भी जा नहीं सकते हैं, तो ये इसमें POS जो है नहीं मिलेगा, और ये ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। एम ए बी का होल 3, और यही एक ऐसा आइसोमर है जिसका दोनों फॉर्म सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सेम वही चीज, इसमें तोड़ नहीं सकते हम रिंग को, ठीक है, ये जो बन रहा है, इसलिए ये दोनों जो आएंगे वो क्या आएंगे आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है वो आपको देखने को मिलता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव देखने को मिल रहा है। आ रहा बात समझ में, किस तरीके से चल रहा है, दोनों का दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म जो है समाप्त होता है। अब जो हमारे सिलेबस में जो बचा हुआ है वो केवल क्या बचा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये आपका बंद होगा, यानी कि इसका टाइम होगा थोड़ी देर में, कभी भी अपने आप बंद हो जाएगा, तो फिर से दोबारा लिंक भेजते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक को आज ही कवर करते हैं और जो लास्ट बचेगा वो कल कवर करेंगे, ठीक है, सुनाई दे रहा है जी, हेलो, ठीक है चैतन्या,